नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भारत के पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन को बुधवार को ही बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी ज्वाइन कराई। मेहताब हुसैन ने भी कहा कि देश सेवा के लिए बीजेपी से जुड़े, लेकिन अचानक 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीति ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर 34 साल के मेहताब हुसैन को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, लेकिन बुधवार को ही शाम होते होते उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। फेसबुक पोस्ट में मेहताब हुसैन ने लिखा, आज से मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा। मैं अपने इस फैसले के लिए सभी फैंस से माफी मांगता हूं। किसी ने भी ये फैसला लेने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाला। राजनीति से दूर रहने का निर्णय पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेहताब हुसैन ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। उन मजबूर चेहरों ने मेरी नींद ले ली है, इसीलिए मैंने अचानक राजनीति का रुख कर लिया। लेकिन जिन लोगों की मैं सेवा करना चाहता था, उन्हीं ने कहा कि मुझे राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए। वे मुझे राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। मेरे राजनीति में जाने से पत्नी और बच्चे भी आहत थे। मेहताब हुसैन के अचानक पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी नेता सयांतन बसु ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये टीएमसी की डराने और धमकाने की राजनीति का नतीजा है। हमने ये चीजें पहले भी देखी, लेकिन टीएमसी जितना इन हथकंडों को अपनाएगी उतना ही जनता में समर्थन खोती जाएगी। 24 घंटे में ही राजनीति छोड़ने वाले मेहताब हुसैन बेहतरीन मिडफील्डर, वो 10 सीजन तक ईस्ट बंगाल के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं। इस दौरान ये टीम 3 बार फेडरेशन कप की चैंपियन बनी थी। इसके अलावा वो साल 2005 से लेकर 2015 के बीच हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के मेंबर भी रहे। टीम इंडिया की तरफ से उन्होंने 31 मैचों में हिस्सा लिया और 2 गोल भी दागे।